SMMART, True School for Entrepreneurs, a Santosh Nair enterprise. और कोई भी चीज जब तक हम लंबा टाइम तक करेंगे नहीं तब तक उससे फायदा होगा कि नहीं और फिर हम उसे लगातार जिंदगी भर इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं, ये सिर्फ रियलाइजेशन के बाद ही हो सकता है। मैं बोलता हूं अच्छे लोगों को लो, हो सकता है आपके इधर खाली आपने रिश्तेदार और ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को नहीं लिया, मैं बोलता हूं दूसरे और भी हायर क्वालिटी के आदमी को लो। 15-20 को लेने के बाद उसके वजह से मिलने वाला फटका झटका खाने के बाद ही रियलाइजेशन होता है कि उन लोगों को लेने के बाद हमारा बिहेवियर कैसा बदलना पड़ेगा जिसके वजह से हम उनसे अभी के एम्प्लॉयज से 10 गुना ज्यादा काम निकाल सकेंगे। ये होने के लिए 15 जन के साथ खेलना पड़ेगा। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? एक कंपनी को इंडिविजुअल ड्रिवन से पीपल ड्रिवन बनाना, पीपल ड्रिवन से उसको सिस्टम ड्रिवन बनाना, सिस्टम ड्रिवन से उसको डेटा ड्रिवन बनाना, वहां से कल्चर ड्रिवन कंपनी बनाना, वहां से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ड्रिवन कंपनी बनाने का एक कन्वर्जन प्रोसेस होता है। पहला इंडिविजुअल से पीपल ड्रिवन कंपनी का कन्वर्जन प्रोसेस, फिर पीपल ड्रिवन कंपनी से सिस्टम और प्रोसेस ड्रिवन कंपनी बनाने का एक कन्वर्जन प्रोसेस होता है। वो कन्वर्जन प्रोसेस चाहे तो अपने पास नहीं है, या अपन ने उसका पढ़ाई नहीं किया, या अपने को ऐसा लगा अपने पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, रोज सुबह आने का चेक साइन करना भयंकर एक्सपीरियंस है, मतलब पद्मश्री मिलना चाहिए, मतलब श्रम अवार्ड भी मिलना चाहिए कि मैं ट्रांसफॉर्म होने वाला हूं, मैं एक नया पाटिल बनूंगा, मैं एक नया जात्या साहेब शिवाले बनूंगा, मैं एक नया इंसान के रूप में पैदा होएगा जो कि मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे इस संस्था के लिए मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूंगा। आर यू विथ मी? तो इट इज नॉट अबाउट तेरे को करना है कि नहीं करना है, वेदर यू वॉन्ट टू डू इट और नॉट, करायलाच लागेल, कारण त्या संस्थेच्या रिक्वायरमेंट आहे ते। विजन बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी शीट करना पड़ेगा, उस तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें अपने आप में लाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अगर तुम खुद होके कर सकते हो तो करो, और नहीं कृष्ण लगेगा तो ढूंढ कृष्णा किधर है। बिजनेस इज नॉट अ गेम ऑफ फाइनाइट, इट्स नॉट फाइनाइट, बिजनेस इज इनफाइनाइट, प्रोडक्ट कैन बी फाइनाइट, सम थिंग्स कैन बी फाइनाइट, services can be finite, but business and the game of business is an infinite game.